हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका फिर से आपके अपने एप्लीकेशन केसीए ट्यूटोरियल में। और हम लोग बात कर रहे हैं जी पैट वगैरह की, फार्मासिस्ट एग्जाम, ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम के कॉम्पिटेटिव तैयारी बात कर रहे हैं। और आज उसमें फार्माकोलॉजी में एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एंटी हाइपरलिपिडमिक ड्रग्स, यानी कोलेस्ट्रॉल की बात हो रही है। अगर किसी इंसान के शरीर में मोटापा बढ़ जाए उससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं, बॉडी में कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ जाते हैं, तो उनसे होने वाली बीमारियों की बात करेंगे और इसे कैसे ठीक करना है, कौन सी दवाइयां हम खिलाएंगे, इन सब के बारे में आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले जान लेते हैं कि हाइपरलिपिडमिया क्या होता है, किस कंडीशन में हमें इलाज करना है, इसकी बात कर लेते हैं। तो इंक्रीज लेवल ऑफ ट्राइग्लिसराइड लिपिड कोलेस्ट्रॉल, अगर हमारे शरीर में, हमारे ब्लड में अगर ट्राइग्लिसराइड लिपिड और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है तो उसे हम हाइपरलिपिडमिया कहते हैं, यानी लिपिड का ज्यादा होना हाइपरलिपिडमिया। ठीक है, ये पांच प्रकार के हो सकते हैं। इसको समझिए कि हमारे शरीर में जो हाइपरलिपिडमिया है उसको पांच कैटेगरी में बांट सकते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 2A, टाइप 2B, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5। ध्यान दीजिएगा यहां पे आपको क्या करना है कि कुल 6 टाइप है, सॉरी टाइप 2A, टाइप 2B, दो पार्ट है, फिर 3rd, 4th और 5th। ये क्वांटिटी पॉइंट याद रखना बेटा, क्योंकि इस पॉइंट से क्वेश्चन पूछा गया कि सेकेंड ए का मतलब क्या है, थर्ड में क्या है, फोर्थ में क्या है, फिफ्थ में क्या है, नाम याद रखना है। चलिए आपको नाम याद करा देते हैं, याद करा देते हैं। तो टाइप वन का मतलब है फैमिलियल लाइपोप्रोटीन लाइपेज डिफिशियंसी। देखिए होता क्या है कि अगर किसी इंसान के शरीर में लाइपोप्रोटीन लाइपेज एक एंजाइम होता है जो लाइपोप्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, अगर उसकी कमी हो रही है तो उससे ऑटोमेटिक बॉडी में लिपिड का लेवल बढ़ेगा, इसे हाइपरलिपिडमिया कहेंगे। ये टाइप वन है और क्योंकि ये जेनेटिक प्रॉब्लम है, अगर किसी को फैमिली हिस्ट्री है तो किसी और को भी हो सकती है, इसलिए फैमिलियल लाइपोप्रोटीन है लाइपेज डिफिशियंसी। अगर इस प्रकार के कारण किसी शरीर में हाइपरलिपिडमिया हो रही है तो वो टाइप वन में आती है। अब टाइप सेकेंड ए में आता है फैमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोमिया, अगर किसी व्यक्ति के शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा है तो वो टाइप सेकेंड ए में आता है। अगर वो फैमिलियल है तो इसका मतलब जो जेनेटिक है तो टाइप सेकेंड ए, और अगर वो जेनेटिक ना हो के पॉलीजेनिक हाइपरकोलेस्ट्रीमिया है, यानी जीन्स के कारण हो रहा है लेकिन जेनेटिक नहीं है, फैमिली में किसी और को नहीं है, तो सेकेंड बी। याद कैसे करना है कि लाइपेज एंजाइम कमी है तो टाइप वन, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ रहा है तो टाइप सेकेंड, और सेकेंड में अगर फैमिलियल है, जेनेटिक है तो टाइप सेकेंड ए, और जेनेटिक नहीं है, पॉलीजेनिक है तो टाइप सेकेंड बी। अब टाइप थ्री में आता है फैमिलियल डिसबीटा लाइपोप्रोटीनिमिया। अब आप देखते हैं कि जो बीटा लाइपोप्रोटीन होते हैं उसकी डिस्टर्बेंस से जो बॉडी में लिपिड का लेवल बढ़ता है उसे फैमिलियल डिसबीटा लाइपोप्रोटीनिमिया कहते हैं, ये टाइप थर्ड है। वहीं पर हाइपर ट्राइग्लिसराइडिमिया, अगर भाई बॉडी में लिपिड का लेवल, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड, अगर ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ा हुआ है उससे भी लिपिड का लेवल बॉडी में बढ़ता है, उसे हाइपर ट्राइग्लिसराइडिमिया कहते हैं, और ये टाइप फोर में आता है। और वहीं टाइप फाइव की बात करें तो फैमिलियल कंबाइंड हाइपरलिपिडमिया, जब लाइपोप्रोटीन भी, ट्राइग्लिसराइड भी, कोलेस्ट्रॉल भी, तीनों बढ़े हुए हैं तो उसे हम टाइप सिक्स कहते हैं। अब फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं, अगर केवल लाइपेज एंजाइम की कमी है, लाइपोप्रोटीन का लेवल बढ़ा हुआ है तो वो टाइप वन है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा हुआ है तो टाइप सेकेंड, और अगर उसमें जेनेटिक है, फैमिलियल है तो टाइप सेकेंड ए, और पॉलीजेनिक है तो टाइप सेकेंड बी। और अगर बॉडी में लाइपोप्रोटीन का डिस्टर्बेंस है, ज्यादा बढ़ा हुआ है, जैसे एलडीएल, वीएलडीएल, तो टाइप थर्ड, और ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है तो टाइप फोर है, और सब कुछ बढ़ा हुआ है तो टाइप फाइव है। ऐसे याद कर लोगे, बस ऐसे याद करना बेटा, इससे क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब ये हम बात करते हैं कि लाइपोप्रोटीन हमारे शरीर में बढ़ता कैसे है, तो उसको पढ़ने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि हमारे शरीर में लाइपोप्रोटीन का काम कैसा है और लाइपोप्रोटीन चलता करता है, मूवमेंट कैसा करता है। तो सबसे पहले हम जो भी खाना खाते हैं, अपना खाना, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, फल, फूल, बाहर ड्राई फ्रूट्स वगैरह ले लिए, बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, पैटीज, आचा पाचा, समोसा, रसगुल्ला, कुछ भी खाते हैं, तो उनसे जो उस खाने में लिपिड होता है, डाइटरी लिपिड, वो हमारे शरीर में एब्जॉर्ब कहां चला जाता है, ब्लड, पहला काम। और वो जो लिपिड हमें भोजन से प्राप्त हुआ वो ब्लड में एब्जॉर्ब होके हमारे इंटेस्टाइन के ल्यूमेन में पहुंचता है,
इंटेस्टाइन में पहुंचता है, उसके लिवर में पहुंचता है और वहां पे जाकर वो बाकी ब्लड के साथ मूवमेंट करने लगता है। यानी जो ये लिपिड के पार्टिकल हैं, जब ये मूवमेंट करने लगते हैं तो उन्हें काइलोमाइक्रॉन्स कहते हैं। चाइलो मतलब चलो, माइक्रॉन मतलब छोटे। जब छोटे मोटे माइक्रॉन चलने लग जाए, यानी लिपिड के मॉलिक्यूल जो आपने खाए वो जब आपकी बॉडी में ल्यूमेन में पहुंचकर चलने लगते हैं, एक दूसरे से हम मूवमेंट करने लगते हैं, उन्हें हम काइलोमाइक्रॉन्स कहते हैं। अब ये जो काइलोमाइक्रॉन है ये चल के जाएंगे कहां? ये चल के चार जगह पर जाते हैं, चार जगह पर। इसको समझिए, पहला है एडिपोज टिश्यू। पहला जो काइलोमाइक्रॉन, कुछ परसेंट काइलोमाइक्रॉन आपके एडिपोज टिश्यू में जाएगा और वहां पे जाके एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। यानी ये अच्छा काम हो रहा है, ये जो भी हमने खाया जो काइलोमाइक्रॉन बना वो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। अगर वो एडिपोज टिश्यू में जाएगा तो ये गुड काम हो गया। अगर वो मसल में जाएगा तो एनर्जी को स्टोर करेगा। फ्यूचर में जब हम काम करेंगे, जिम वम जाएंगे तो वो मसल वहां पर एनर्जी काम आएगी, ये भी हमारे लिए अच्छा काम हो गया। तीसरा है, अगर वो जो काइलोमाइक्रॉन है अगर उसकी हाइड्रोलिसिस हो गई बाई एंजाइम लाइपेज, तो वो अलग अलग लाइपोप्रोटीन पार्टिकल्स में टूट जाएगा। और चौथा है, अगर वो काइलोमाइक्रॉन इन तीनों प्रोसेस से नहीं गुजरा, ना वो एडिपोज टिश्यू में गया, ना मसल में गया, ना लाइपेज एंजाइम का, ना उसका हाइड्रोलिसिस हुआ, तो जो बचा रहेगा उसे काइलोमाइक्रॉन्स रिमेंड कहते हैं और यही हमारे लिए खतरनाक है। बाकी सब तो ठीक है, जो बच गया, जो इस्तेमाल नहीं हो रहा है वो खतरनाक है। अब वो बच खतरनाक कब होगा? जब हमारे शरीर को जितना लिपिड की जरूरत है उससे ज्यादा खा रहे हो यार, मार खींच के पूरी कचौड़ी समोसा दमालू खा रहे हो, अंडबन खाना खा रहे हो, हमारे मसल को एडिपोज टिश्यू को जितना जरूरत थी उसने ले लिया, अब जो बच गया वो काइलोमाइक्रॉन रिमेंड के फॉर्म में रहेगा। समझ गए, समस्या यहीं से शुरू होने वाली है। अब इसको समझिए, समस्या शुरू कहां होने वाली है? जो काइलोमाइक्रॉन बच गया अब वो हमारी बॉडी में हाइड्रोलिसिस होके फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी लिपिड बन गया फैटी एसिड बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलिसिस। क्यों? क्योंकि वो हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा बचा हुआ था। अब वो जो फैटी एसिड है उसका रिस्टरीफिकेशन होगा तो वो हमारे लीवर में जाकर के वहां पे कोलेस्ट्रॉल और VLDL के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल और VLDL, वेरी लो डेंसिटी लिपिड, और ये दोनों बड़े खतरनाक है भाई साहब। ये जो लाइपोप्रोटीन फैटी एसिड था, जब स्टेरिफिकेशन बाद कोलेस्ट्रॉल और लाइपोप्रोटीन, ये भाई कोलेस्ट्रॉल तो बहुत जरूरी है बॉडी के लिए, जितने भी स्टेरॉयडल हार्मोन्स है, सेक्स हार्मोन्स है, इसी से बनते हैं, लेकिन जरूरत से ज्यादा हो जाएगा तो खराब है। और VLDL तो बहुत खराब है, वेरी लो डेंसिटी लिपिड। और क्या होगा, ये एंडोथीलियम लाइपेज एंजाइम के द्वारा ये जो VLDL और कोलेस्ट्रॉल है, ये आइडियल इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपिड VLDL LDL इन सब में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये जो VLDL का बढ़ा हुआ लेवल है, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ा हुआ लेवल है, यही हमारे शरीर में हाइपरलिपिडिमिया कॉज करता है। तो ये प्रोसेस समझ आ गया कैसे कैसे हमारे शरीर में ये सब बनता है, ठीक है। अब ये एक प्रोसेस है, इसको समझिएगा। अब हम बात करते हैं कैसे याद करना है इसके क्लासिफिकेशन को। तो जो टाइप सेकेंड ए है वो फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोमिया है। इसको याद करने का तरीका है कि दूसरे स्टेट को आया ज्यादा मोटापा, भाई दो स्टेट के लोग थे, दोनों ने बराबर खा लिया, दूसरे स्टेट ज्यादा मोटापा आ गया। तो इसका ट्रिक है, दूसरे मतलब टाइप सेकंड, स्टेट मतलब स्टेटस, यानी इस बीमारी के केस में टाइप सेकंड ए में हम लोग स्टेटस देते हैं, रोसवा स्टेटिन, एटोरवा स्टेटिन, ठीक है, ये सभी तक दिया जाता है। आया मतलब टाइप सेकंड ए, ज्यादा मतलब हाइपर कोलेस्ट्रोमिया, मोटापा मतलब हाइपरलिपिड। एक ट्रिक है कि आपको याद करना है, मेरे एक साथ आपको सब कुछ याद करना है, ध्यान रखें। वही टाइप सेकंड बी की बात करें तो दूसरे स्टेट का पंच हुआ ठीक, पंच जो है वो ठीक हो गया, तो टाइप सेकंड बी, इसमें स्टेटिन देते हैं। ये कैसे आपको याद करना है, इसमें फाइब्रेट्स और निकोटिनिक एसिड ड्रग्स देते हैं बेसिकली इस बीमारी को ठीक करने। चलिए सब बाद में डिटेल पढ़ेंगे, अभी हम आते हैं इसके क्लासिफिकेशन पे। एंटी हाइपरलिपिडमिक ड्रग्स को कैसे याद करना है, क्या क्लासिफिकेशन है? ये क्लासिफिकेशन मैंने आपके KDT से लिया हुआ है। तो इसको याद करने के लिए सबसे पहले हमको समझना होगा इसके क्लासिफिकेशन में कौन कौन से पॉइंट्स हैं। तो चार, एक दो तीन चार कैटेगरी की, पांच कैटेगरी की ड्रग्स है। पहला है HMG को रिडक्टेज इनहिबिटर्स, ये सारे स्टेटिन। देखिये HMG क्या है, हाइड्रोक्सी मेथिल को ग्लूटोरेट कोएंजाइम, एक ऐसा एंजाइम है, ठीक है, जो एंजाइम क्या करता है, ये स्टेट क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाता है बॉडी में।
अगर इस एंजाइम को इनहिबिट कर देंगे तो बॉडी में एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा और इस तरह से हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल ठीक रहेगा। ये दवाइयां सारी स्टैटिन्स है, लोवास्टैटिन, सिमोस्टैटिन, प्रावास्टैटिन, एटोरवास्टैटिन, रोसवास्टैटिन और पिटवास्टैटिन, जिसमें से एटोरवास्टैटिन और रोसवास्टैटिन सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, वहीं पे दूसरा है लाइपोप्रोटीन लाइपेज एक्टिवेटर। मैंने कहा ना जो लाइपेज एंजाइम है वो कम काम कर रहा है इसलिए नुकसान ज्यादा है। अगर हम इस एंजाइम को ज्यादा एक्टिवेट कर दें, इस एंजाइम को ज्यादा काम करने लगे तो VLDL वगैरह कोलेस्ट्रॉल वगैरह नहीं बनेगा। तो इसके एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए जो ड्रग्स है वो हमारे फाइब्रेट्स हैं, जैसे कि क्लोफाइब्रेट, जेम फाइब्रोजिल, बेजा फाइब्रेट और फेनोफाइब्रेट। फेनोफाइब्रेट बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, ये सभी लाइपो आपका लाइपोप्रोटीन लाइपेज एक्टिवेटर होते हैं। तीसरी कैटेगरी है बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट। हमारे शरीर में जो बाइल एसिड बनता है, हमारे इंटेस्टाइन में जो बाइल जूस बनता है वो ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वह हमारी बॉडी में बाकी लाइपोप्रोटीन्स, लिपिड और कोलेस्ट्रॉल को बनाता है। तो अगर इस बाइल एसिड को हम बनने ना दे, वापस खींच लें इंटेस्टाइन में, सिक्वेस्ट्रेंट ले लें, तो हमारे लिए सही है। उसमें हमारे कोलेस्ट्रामीन और कोलेस्टिपोल ड्रग आता है। वहीं पर बात करें कि एस्टेरॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर की बात करें तो एजिटिमाइब है, और लाइपोलिसिस और ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस इनहिबिटर जो है वो हमारे हैं निकोटिनिक एसिड। सुरती खाते हैं ना, सुरती खाने वाले को कोलेस्ट्रॉल कम पड़ता है, इसके हिसाब से निकोटिनिक एसिड क्या करता है, हमारे ट्राइग्लिसराइड और लाइपोलिसिस को इनहिबिट करता है, इसको बनने से रोकता है। ये हमारे सारे क्लासिफिकेशन हो गए। अब हम क्या करते हैं, एक बार सभी के मोड ऑफ एक्शन को एक बार में पढ़ लेते हैं, कौन सी क्लास की ड्रग कैसे काम करती है इसको एक बार में हम समझ लेते हैं तो याद करने में हमको आसानी रहे। एक साथ पढ़ो, जैसे पहला है HMG कोल्टेक इंटर, ये कैसे काम करता है, इसमें ड्रग आते हैं स्टैटिन्स, ये करते हैं ये कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। मैंने कहा था ना जो HMG को एंजाइम है वो कोलेस्ट्रॉल बनाता है, उस एंजाइम को रोक दोगे तो कोलेस्ट्रॉल बनना बंद हो जाएगा, तो कोलेस्ट्रॉल को इनहिबिट करेगा। इसके साथ साथ ब्लड में HDL का लेवल बढ़ाएगा, LDL और ट्राइग्लिसराइड के लेवल को घटाएगा। ठीक है, कैसे काम करना याद हो गया, एक बार याद करना है। इस कैटेगरी में आते हैं हमारे स्टैटिन्स, रोसवास्टैटिन, एटोरवास्टैटिन, रेमोस्टैटिन। ठीक है, कैसे काम करेगा, कोलेस्ट्रॉल का लेवल घटाएगा, HDL को बढ़ाएगा और LDL को घटाएगा। वहीं पे दूसरा है बाइल एसिड सिक्वेस्टेंट, ड्रग का नाम है कोलेस्टिपोल और कोलेस्ट्रामीन, ये बाइल एसिड के एब्जॉर्प्शन को घटाएंगे, जो हमारे इंटेस्टाइन से बाइल एसिड निकला वो जितना कम निकलेगा उतना अच्छा है। हिपेटिक कन्वर्जन को बढ़ाएंगे, जो हमारे बाइल एसिड बन रहा है उसे लीवर के अंदर ही कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये कोलेस्ट्रॉल को बाइल एसिड में कन्वर्ट करने की प्रॉपर्टी को बढ़ाते हैं, इस तरह से काम करते हैं, और ये भी वही HDL को बढ़ाएगा, LDL और ट्राइग्लिसराइड को घटाएगा। अगला फाइब्रिक एसिड डेरिवेटेड, इसमें हमारे आपका जेमिफेब्रोजिल आते हैं, फेनोफाइब्रेट आते हैं, ये लाइपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम के एक्टिविटी को बढ़ाते हैं, पहला काम। और दूसरा फैटी एसिड जो रिलीज हो रहा है एडिपोज टिश्यूज, इसको घटाते हैं। दो मैकेनिज्म पे काम करते हैं फेनोफाइब्रेट वगैरह, और बिल्कुल कोई काम है, HDL बढ़ेगा, LDL घटेगा। अगली कैटेगरी है लाइपोलिसिस एंड ट्राइग्लिसराइड इनहिबिटर, इसमें निकोटिनिक एसिड रहते हैं, ये VLDL की प्रोडक्शन को कम करेगा, लाइपोलिसिस को डिक्रीज करेगा, इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन कोलेस्ट्रॉल का बढ़ाएगा। ठीक है, इस तरह से सारे के सारे काम करते हैं। वहीं पे लास्ट वाला है एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर, तो ये एजिटिमाइब है, इंटेस्टाइन में कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, बाकी सारा काम वही। तो इस तरह से जो सारे के सारे दवाइयां हैं एक साथ हमने आपको बताया मैकेनिज्म कैसे याद करना। ठीक है, वही हम आगे बढ़ते हैं। तो एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग जो है दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन। अगर किसी व्यक्ति को नया नया आपने ब्लड टेस्ट कराया, उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल 200 से ऊपर है, LDL VLDL काफी हाई है, HDL लो हो गया है, मतलब धीरे धीरे पेशेंट कोलेस्ट्रॉल की बीमारी से बढ़ रहा है, यानी हाइपरलिपिडिया हो गया, तो उसे अगर आप किसी पेशेंट को दवा शुरू करते हैं तो फर्स्ट लाइन ड्रग में हम स्टैटिन्स देते हैं, रोसवास्टैटिन, एटोरवास्टैटिन, 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg फॉर्म में आता है, बाइल एसिड बाइंडिंग ड्रग्स देते हैं और इंटेस्टाइनल कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर, ये तीन दवाइयों से स्टार्ट करते हैं। और अगर इससे अगर आप चाहते हैं देखना पूरा वीडियो लेक्चर, इसके साथ साथ जीपैड स्टडी मटेरियल और MCQs क्वेश्चन की प्रैक्टिस अपने जीपैड के लिए, तो डाउनलोड कीजिए हमारा एप्लीकेशन KCL ट्यूटोरियल अपने गूगल प्ले स्टोर से, और उसको ओपन करने के बाद आप जाइए स्टोर ऑप्शन में, जहां पे आपको दिखेगा कोर्स टारगेट जीपैड 2024, और इसके साथ आप पाएंगे ढेर सारी वीडियो लेक्चर, जीपैड स्टडी मटेरियल, MCQ क्वेश्चन और वीडियो से